अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज आई विद मेहर अब्बासी। पाकिस्तान में इस पॉइंट पे सख्त कंफ्यूजन भी है और साथ साथ ये भी कहना गलत ना होगा कि एक किस्म की क्लैरिटी भी है। तालिबान से मुजाकरात के हवाले से पेशरफ बहुत तेज हो रही है दोनों जानिब से। हुकूमत ने भी कमेटी का ऐलान कर दिया और एक सालिसी कमेटी का तालिबान ने भी ऐलान कर दिया, जिसकी वजह से बहुत सी तश्वीश भी पाई गई कि इसका किरदार क्या होगा, इसका मैंडेट क्या होगा। मुल्क में सियासी मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज के हेड्स को, उनके पॉलिटिकल वर्कर्स को नॉमिनेट करके क्या पैगाम तालिबान की जानिब से दिया जा रहा है। और पिछले चंद घंटों में ही तालिबान की जानिब से 22 शरायत की एक फहरिस्त भी तैयार की गई है। इसकी क्या हैसियत है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह असरअंदाज होगी इस डायलॉग प्रोसेस पे, इसी पे आज गौर फिक्र करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद है जमात इस्लामी के अमीर मुनव्वर हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम मुनव्वर हसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपकी नजर में तालिबान ने सियासी शख्सियात का चुनाव क्यों किया अपनी नुमाइंदगी करने के लिए? देखिए, मुतय्यन तौर पर तो तालिबान ही इस सवाल का जवाब दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम सब इसी माशरे में रहते हैं और हर रोज आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उसके नतीजे में मैं तो यही बात कह सकता हूं कि क्योंकि सियासी सूझबूझ के बगैर और सियासी वजन को किसी एक पलड़े में डाले बगैर इश्यूज को रिजॉल्व करना तो दूर की बात है, इश्यूज को अंडरस्टैंड करना, समझना भी मुश्किल है। मेरा ख्याल है उन्होंने इस हिकमत मिली के तहत लोगों के नाम दिए हैं, लेकिन बहसियत मजमूई तो इसमें वही लोग ज्यादा हैं कि जो दीनी हवाले से अपना कोई बैकग्राउंड रखते हैं, जैसे मौलाना समीउल हक साहब वगैरह या और जो दूसरे नाम हैं। तो बुनियादी तौर पर उनके पेश नजर प्रेशर भी बिल्डअप करना होगा कि सोसाइटी के अंदर उनके हक में एक आवाज बुलंद हो सके, और साथ ही साथ ये भी है कि कोई माकूलियत और इस्तदलाल से उनके इश्यूज के हवाले से बात कर सके, ये भी पेश नजर रहा होगा। मगर मुनव्वर हसन साहब, ताज्जुब की बात यह है कि इन पांच लोगों में से चार तो ऐसे हैं जो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, तो आपको नहीं लगता कि जरा अजीब लगता है कि मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज के लोग अब नुमाइंदगी करेंगे एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन की जिसने हजारों लाखों लोगों को कत्ल किया? देखिए, वो तो फिर बात वहां से शुरू करें कि हुकूमत ने चार रुकनी कमेटी क्यों मुकर्रर की उनसे मुदाखरात के लिए, जिन्होंने बकौल आपके लाखों लोगों को कत्ल किया है और जो बकौल आपके जो अफरा तफरी का उनवान और बाइस बने हैं, तो इसलिए वो तो बात बात शुरू करें कि हुकूमत को मुदाखरात करने नहीं चाहिए। और उससे पहले जो 16 पार्टियों ने मुत्तफिका तौर पर विद कंसेंसस ये बात तय की थी कि मुदाखरात की मेद बिछनी चाहिए, एतराज वहां से शुरू कीजिए ना, और बल्कि उससे भी पहले इतराज करें कि इस मौजू को मौजू बहस बनाने के लिए वजीर आजम ने जो एजेंडा जारी किया और एपीसी बुलाई, उसकी जरूरत ही नहीं थी। अगर ये बात इतराज है तो यहाँ आज से तो इतराज नहीं होगा, बहुत पीछे जाना पड़ेगा हमको इतराज को यकीनी बनाने के लिए और उसके हवाले से तमाम चीजों को मुस्तरद करने के लिए। नहीं तो एक तरीके से आपको नहीं लगता कि इन इन पांच लोगों के नाम देके, जिनमें से कुछ साबिक और कुछ हाजिर पार्लियामेंटेरियंस भी हैं, इन अ वे तालिबान ने इस सिस्टम को, जमहूरियत को, हमारे आइन को और पार्लियामेंट को कबूल किया है या इसको रेकग्नाइज किया है? मेरा ख्याल है यही अप्रोच ज्यादा पॉजिटिव है और तामीरी है। मैं तो बहुत पहले से ये बात कहता रहा हूं कि तालिबान के जो असातजा हैं जिनका उनकी निगाह में बड़ा एहतराम है और वो सारे उलमाए दीन हैं, विफाक उल मदारिस से बुनियादी तौर पर ताल्लुक रखते हैं, उनको इसमें इन्वॉल्व सरकार की तरफ से होना चाहिए ताकि अगर वो आईन के बारे में बात करें, शरीयत के बारे में बात करें, इंतखाब और जमहूरियत के बारे में बात करें या और इस तरह के इशूज पर बात करें, तो उन्हीं के असातजा हैं जिन्होंने 73 का दस्तूर मंजूर किया था। मौलाना शाह अहमद दुरानी है, मुफ्ती महमूद हैं, प्रोफेसर गफूर अहमद हैं, इन्हीं लोगों ने खत्म नबूवत के मसले को आखिरी मराहल तक पहुंचाया था। तो मैं तो हमेशा कहता रहा हूं कि इफाम व तफहीम के लिए उन्हीं का साजा को ज्यादा आगे लाना चाहिए, लेकिन बहरहाल हुकूमत की अपनी मसलियतें और हिकमतें होंगी जिसके तहत ये नहीं हुआ है, लेकिन मैं जुज़्वी तौर पर जी मुनव्वर हसन साहब, बिकॉज हमें एक अगर पहचाना जाए, आप कह रहे हैं इस पॉजिटिव लाइट में ही देखा जाए, तो एक फिर ये स्टेप फॉरवर्ड और शिफ्ट हुआ ना, या शरीयत या शहादत के उस मोटो से जो तहरीक नफाज़ शरीयत मोहम्मदी से लेके अलकायदा के टॉप डॉक्टर एमन अल जवाहिरी से लेके खालिद खुरसानी और फिर मुल्ला फजलुल्ला, किस किस ने बार बार इस मोटो को दोहराया है, और अब आके इसी निजाम के उन्हीं टॉप लीडर्स को जो पार्लियामेंट का हिस्सा है कबूल करना, एक शिफ्ट ऑफ मोटो, शिफ्ट ऑफ पॉलिसी दिखाई दे रहा है, या फिर सर आपने थोड़ी देर पहले कहा मे बी इज जस्ट अ प्रेशर टैक्टिक? असल में
अगर लोग फतेह और शिकस्त के उन्मानात से ही मुदाखरात का आगाज करेंगे तो ये मुदाखरात को सबोताज करने की बात होगी, चाहे वो मीडिया के पर्सन हों या पॉलिटिकल वर्कर्स हों। अगर वो मुदाखरात को सबोताज करना चाहते हैं तो उसका तरीका यही सबसे आसान है कि देखिए शिफ्ट हो गया है, देखा हम नहीं कहते थे कि ये मानेंगे, बिलाखिर उतर कर आ गए, ऊपर की सीढ़ियों से नीचे की तरफ आए। अगर किसी की निगाह में ये शिफ्ट भी है तो उसे उसको वेलकम करना चाहिए, उसको मजबूत पराए के अंदर बयान करना चाहिए, उसे किसी की शिकस्त और फतेह की तरफ धकेलना नहीं चाहिए। तो मेरे नजदीक तो मैं तो इसमें मोहतात होने की कोशिश करूंगा, आप जो भी सवाल करेंगी मैं इंशाल्लाह उसको फेस करूंगा, लेकिन मैं समझता हूं कि मुल्क का मजमूई जो सियासी मंजरनामा है उसको हम मजीद अफरा तफरी और मजीद इंतशार और अनारकी को अफोर्ड नहीं कर सकते। इस इनडिसिप्लिन को, डिसऑर्गेनाइजेशन को इलाज करने का तरीका यह है कि मामलात के अंदर दूरबीनी और दूरअंदेशी को पेश नजर रखें और अल्फाज के इस्तेमाल में भी और फतेह और शिकस्त के उन्वानात सजाने से भी गुरेज करें। तो सर फिर क्या बात है कि मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि तालिबान ने जो इन शख्सियात का चुनाव किया है बाहर से, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से लोगों को मुंतखब किया है, इसको जरा गौर व फिक्र करनी चाहिए इस बात पे और कंसिडरेशन कोट एंड कोट मौलाना साहब कह रहे हैं, क्या वो बजा वो सही कर रहे हैं? मेरा ख्याल है ठीक कह रहे हैं वो। इनमें तमाम उन जमातों को जिनके लोगों को नामजद किया है तालिबान ने और अभी तक उन जमातों ने उसकी मंजूरी नहीं दी है, बिलाखिर मंजूरी देंगे या नहीं देंगे ये तो वक्त ही बताएगा। तो उन तमाम लोगों को इस मामले में एहतियात से काम भी लेना चाहिए, जिम्मेदारी का सबूत भी देना चाहिए। और नहीं सर, मैं मुनव्वर हसन साहब कथा कलामी माफ, मैं तो ये कह रही हूँ जब मैं ये सवाल करती हूँ तो आप कहते हैं कि मीडिया को ऐसा काम नहीं करना चाहिए, मगर अगर मौलाना फजल रहमान साहब भी उसी तशवीश का इजहार करें कि आखिरकार क्यों तालिबान ने ये इन शख्सियात का नाम दिया है जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन से हटके हैं, पोलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदेगान है, इस पर गौर व फिक्र किया जाए, माइट बी समथिंग, तो वो सही किया है? मतलब कि आपकी और मौलाना की बात एक नहीं है, आप बजाहिर चाहे कहें लेकिन आपका मंशा दुनिया देखिए सीढ़ियों से नीचे उतर आए हैं, आसमान से जमीन पर उतर आए हैं और अब जमहूरियत को तस्लीम करने लगे। ये जो रवैया है और अप्रोच है ये तो मेरे नजदीक नेगेटिव है, चाहे आपकी तरफ से हो या मेरी तरफ से हो। लेकिन मौलाना फजल रहमान अगर ये बात कहते हैं कि हमें मामलात को कंसीडर करना चाहिए बकौल आपके, और वो अगर ये कहते हैं कि तमाम मामलों में मामलात को नहीं तालिबान के इस इकदाम के ऊपर जरा गौर फिक्र करनी चाहिए कि उन्होंने क्यों ऐसा किया है। जी हाँ, लफ्जों के चुनाव में कोई ऊंच नीच हो सकती है लेकिन मफहूम में जो अदा कर रहा हूँ वही है जो आप बयान फरमा रही हैं। तो मेरे नजदीक तो इसमें इसकी अहमियत है कि इस पर गौर जरूर किया जाए और तमाम पार्टियां अपने अपने दायरों में अपनी मुशावरत कर रही हैं, हम भी इसके लिए तैयार हैं कि मुशावरत के बाद कोई किसी फैसले तक पहुंचे तो नतीजे से लोगों को आगाह करें। लेकिन मैं समझता हूं कि अहम को अहम समझना चाहिए, गैर अहम को अहम नहीं बनाना चाहिए। आपने फैसला कर लिया है प्रोफेसर इब्राहिम साहब इस साल इसी कमेटी में किरदार अदा करेंगे? नहीं, अभी नहीं फैसला किया, अभी हम मुशावरत कर रहे हैं, मुशावरत के अमल से गुजरने के बाद कोई आखिरी और हतमी बात लोगों तक पहुंचा सकेंगे। फैसला किस चीज पे बेस्ड होगा, कौन सी चीजें आप कंसिडर कर रहे हैं? कुछ चीजें तो वो हैं कि जो जरूरी नहीं है कि बताई जाए आपको, और कुछ चीजें वो हैं कि जो आपको भी मालूम है, अंदाजा है कि क्या चीजें हो सकती हैं, जो अभी तक हम गुफ्तगू कर रहे थे वो तमाम चीजें उसके अंदर शामिल हैं। लेकिन जाहिर है कि हमें हमारे पेश नजर ये बात सबसे अहम है कि हमें एजेंडा पूरे तरीके से मालूम हो, उसकी तरजीहात का पूरी तरीके से इल्म हो, जो इख्तियारात होंगे कमेटी को वो उसका पूरी तरीके से अंदाजा हो। और तालिबान अगर इसको नॉमिनेट करते हैं तो उनके जो इंडिया उनका है उसमें क्लैरिटी हो, ये तमाम चीजें हम तक पहुंच सकें। और फिर हम चाहेंगे कि जिन लोगों के नाम दिए गए हैं वो भी आपस में भी एक दूसरे से गुफ्तगू करें, मुमकिन है कि आज मैं किसी मौके पर वक्त निकाल कर इमरान खान से भी बात करूं और एक दूसरे के व्यूज को शेयर करें और मिलजुल कर कोई एक ही मौका इख्तियार करें। लेकिन जाहिर है कि मुनव्वर हसन साहब इस क्लैरिटी के लिए क्या तहरीक तालिबान पाकिस्तान से अभी एज वी स्पीक रबते में है? नहीं, मैंने तो मेरा तो कभी रबता नहीं रहा, ना अब इस वक्त रबता है, और जिन्होंने टेलीफोन किया था प्रोफेसर इब्राहिम साहब को वही एक रबता कहा जा सकता है, अगर मुझसे रबते को आप कोई बात जानना चाहें तो। ओके, सो प्रोफेसर इब्राहिम साहब उनसे रबता करके मैंडेट पूछेंगे, अथॉरिटी पूछेंगे, कितना वजन होगा कमेटी में, ये डिटेल्स पूछेंगे और फिर आपसे रबता करेंगे और डिस्कस करेंगे। आपने देखा कि समीउल हक साहब ने मशवरा दिया इमरान खान साहब को कि ये मौका ना गवाएं, कबूल करें इस जिम्मेदारी को और आगे बढ़े, अमन के प्रोसेस में अपना किरदार अदा करें, आपका मशवरा क्या होगा? मेरा तो ख्याल ये है कि ये तमाम जितनी भी एक्सट्रीम ओपिनियंस भी हैं उन सब के अंदर कोई ना कोई सब्सटेंस है, एक मफहूम उनके अंदर पिन्हा है, इन सब को सिंथेसाइज करने की जरूरत है,
एम्बलगमेट करने की जरूरत है, यानी जो खतरात और खदशात हो सकते हैं और क्लैरिटी न होने की वजह से जो बंद गली के अंदर लोग जा सकते हैं उससे बचने की भी जरूरत है। लेकिन यह भी है कि बहुत बड़ा ओकेजन है, पूरा मुल्क अनारकी की नजर हो गया है, दहशतगर्दी का राज है चारों तरफ। इन अंधेरों से निजात दिलाने के लिए अगर कोई टनल के उस तरफ रोशनी की किरण मौजूद है तो उसको अवेल करना चाहिए, कैपिटलाइज करना चाहिए। तो ये दोनों ओपिनियंस मौजूद है, इन दोनों ओपिनियंस को एक साथ लेकर चलने के नतीजे में ही कोई एक राय बन सकेगी। अच्छा मुनव्वर हसन साहब, ये बताइएगा कि तालिबान ने एक गारंटी दी इन, इन, इन चारों शख्सियात को कि वो इलाके जिनमें जहां उनका कंट्रोल है वहां मुकम्मल तौर पे ब्लैंकेट सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी इन पांचों शख्सियात को। क्या आपको लगता है हुकूमत वक्त को भी कुछ इस तरह की ऑफर या एक गारंटी देनी चाहिए तालिबान को कि अगर सेटल्ड एरियाज में भी मुजाकरात हो या बातचीत हो तो उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा या उनको उनकी जान को जिंदगी को खतरात नहीं लाक होंगे? मेरा ख्याल है ये तो बिल्कुल फितरी है, ऐसा ही होना चाहिए जैसा कि आप फरमा रही हैं। लेकिन असल में मकते में जो सुखन गुस्तराना बात आती है वो तो अमेरिका की तरफ से आती है, और मैं नहीं समझता कि हुकूमत पाकिस्तान कोई ऐसी एश्योरेंस अमेरिकन की तरफ से ले सकती है कि वो कोई हमला नहीं करेंगे और वो ये कहकर फारिग नहीं हो जाएंगे कि हमें बहुत अरसे से मतलूब था और हम इसके तलाश में थे, हमें टारगेट मिल गया तो हमने टारगेट किलिंग कर दी है। तो हुकूमत पाकिस्तान ये जमानत तो शायद ख्वाहिश के बावजूद नहीं दे सकेगी, लेकिन उन्हें करना जरूर चाहिए एक गुडविल एटमोसफियर क्रिएट करने के लिए और अपनी साख को बेहतर बनाने के लिए। सर आज वजीर आजम का भी बयान आया कि हुकूमत तो संजीदा है इन मुजाकरात के लिए, तालिबान भी अपनी संजीदगी जाहिर करें। किस तरह जाहिर करें तालिबान अपनी संजीदगी? वैसे बेहतर तो हुकूमत वाले ही बता सकते हैं, लेकिन मेरे नजदीक इस तरह के बयानात भी पॉजिटिव समझे जाते हैं और एक चीज को बार बार बयान करने के नतीजे में उसको यकीनी बनाया जाता है और पब्लिक परसेप्शन को बेहतर बनाने की कोशिश होती है कि मैं तो संजीदा हूं आप भी संजीदा हो जाएं, मैं तो इखलास से काम कर रहा हूं आप भी इखलास से। तो मेरे नजदीक इस पे तश्वीश की कोई बात नहीं है बल्कि इसको वेलकम करना चाहिए। सर चंद दिन पहले मैंने आपको इंटरव्यू किया मुनव्वर हसन साहब, और हुकूमत की संजीदगी और नीयत के हवाले से आपको बहुत शक था, आपने तश्वीश का इजहार भी किया। आज क्या बदला है कि आपको लगता है कि हुकूमत संजीदा है, और अगर है तो नहीं है तो ये भी बताइए। देखिए मेरे नजदीक तो पार्लियामेंट में वजीर आजम साहब की तकरीर ने माहौल को तब्दील किया है, हालांकि सुनने वालों ने, मैंने तो नहीं सुनी बराह रास्त उनकी तकरीर, सुनने वालों ने तो ये बात भी कही है कि तकरीर के आखिरी जुमले तक भी लोगों को यही ख्याल था कि शायद वो इख्तिताम अब इस पर करने जा रहे हैं कि हम ताकत और कुव्वत के इस्तेमाल से मामले को हल करेंगे। लेकिन अचानक उनकी तकरीर ने यू टर्न लेकर यह ऐलान किया कि हम मुज़ाकरात की मेज बिछाएंगे, फिर उन्होंने पांच रुकनी या चार रुकनी कमेटी का ऐलान भी कर दिया। तो ये उनके पिछले पांच छह महीने के रवैयों के मुकाबले में एक बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत हाल थी जो रूनमा हुई, पैदा हुई, नजर आई, दिखाई दी, और मैं समझता हूं कि इसी को मैं संजीदगी से ताबीर करता हूं। लेकिन मैं एक बात आपसे अर्ज कर दूं कि मैं इस मौके पर निस्बतन ज्यादा मोहतात रहने की और पूरी जिम्मेदारी को बरतने की कोशिश कर रहा हूं, वरना नेगेटिव पॉइंट अगर टेक्स्ट में ना भी हो तो फुटनोट्स में तो मौजूद है जिन पर बात की जा सकती है, लेकिन उससे फिदा को खराब करने के अलावा कोई और नतीजा नहीं निकलेगा और हालात उसके नतीजे में बेहतर होने के बजाय बदतर हो सकते हैं। तो इस बिल्कुल मगर मुनव्वर हसन साहब बहुत बेहतर सर, मगर अभी भी फिजा तो बदएतमादी की है। आप देख रहे हैं कि अभी भी ये बात हो रही है कि शायद फौज और एजेंसियां ऑन बोर्ड नहीं है इस हवाले से, खुश नहीं है इस फैसले से, और फिर कुछ ऐसी रिकमेंडेशंस भी सामने आई कि इस कमेटी में कोई ऐसे पर्सनल भी होने चाहिए थे जिनका ताल्लुक हमारी एजेंसियों से है, फौज से है। आपकी क्या राय है इस पर? मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जो बात आती रही है उसमें तो ये बात है कि सरकारी कमेटी में मेजर आमिर साहब का जो नाम है उन्हें इस बात का तजुर्बा है, वो एक एजेंसी के साथ आईएसआई के साथ काम करते रहे हैं, एक उम्र गुजारी है इस दश्त की सयाही में, उन्होंने तजुर्बेकार आदमी है माने और सॉफ्ट स्पोकन आदमी है जहां तक मैं जानता हूं उन्हें, तो इस एतबार से ये कोई शर्त तो नहीं हो सकती थी, लेकिन अगर किसी के ख्याल में ये कोई शर्त थी तो उस शर्त को पूरा तो किया गया है जज्वी तौर पर। सो मजीद और जरूरत नहीं है, एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद ये इंटरव्यू कंटिन्यू रखेंगे। अमीर जमात इस्लामी हमारे साथ मौजूद है, तहरीक तालिबान की जानिब से एक लंबी फहरिस्त शराइत की भी सामने आई है, इस पर भी गौर करेंगे। इस पर भी दोस्तों न्यूज आए
वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज आई। सो मुनव्वर हसन साहब, ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपकी गुफ्तगू से ये समझी कि आपके नजदीक फौज मुकम्मल तौर पे ऑन बोर्ड है और इस हवाले से कोई तशवीश या एप्रीहेंशन या डिस्कनेक्ट नहीं फील हो रहा। मेरा ख्याल है कि यही तासुर और तसव्वुर दुरुस्त है। वैसे भी फौज तो हुकूमत के मातहत है और क्योंकि इस जमाने में सबने ही इस बात पर बार बार लिखा है और बयान किया है कि दोनों एक पेज पर हैं जैसा कि होना चाहिए, तो मेरे नज़दीक की खुशाइन बात है, इसको वेलकम करना चाहिए। अलबत्ता सबके साथ तमाम मामलात को शेयर करना भी जरूरी है ताकि कोई एहसास महरूमी या कोई कतई ताल्लुक वाली कैफियत ना पैदा हो। अगर ये दोनों एक पेज पर है और जैसा कि होना चाहिए उसी तरीके से हैं तो हम भी उसको वेलकम करते हैं। मुनव्वर हसन साहब, आपने ये भी कहा कि इस कमेटी का हिस्सा हमजा शहबाज को होना चाहिए था, फिर दीगर ऐसे माहिरे इस टॉपिक के माहरीन ने यह भी कहा कि बिकॉज ऑफ कंट्रोल इश्यूज, पावर इश्यूज, शहबाज शरीफ या चौधरी निसार को इधर हिस्सा होना चाहिए था, एक ओनरशिप लेनी चाहिए थी कि नेगोशिएशंस में डायरेक्टली और फास्ट जो है एक फैसले किए जा सकें। ये आपने हमजा शहबाज का नाम जुगत में दिया था या वाकई आप संजीदा थे? देखिए, जिस वक्त तमाम मामलात गैर संजीदगी की नजर थे और वज़ीर आज़म साहब ने एक प्राइवेट चैनल को इंटरव्यू के दौरान चार आदमियों के नाम ले दिए थे जिसमें मेरा नाम भी ले दिया था कि आपको भी कोई रोल अदा करना चाहिए, जिससे उनकी अदम दिलचस्पी का, गैर संजीदगी का और कमोबेश गैर जिम्मेदारी का इजहार हो रहा था, तो जाहिर है कि उसी वक्त मैंने ये बात कही थी कि इससे बेहतर है कि हमदा शहबाज को मुकर्रर कर दें, वो उनके कॉन्फिडेंट भी हैं और उसी के साथ साथ तमाम मामलात से वाकिफ भी हैं। लेकिन जाहिर है वो वक्त गुजर गया है, वज़ीर आज़म की पार्लियामेंट की तकरीर के बाद एक नया दौर शुरू हुआ है और राइटली और रॉन्गली लोगों ने उससे तवक्कात भी बांधी है। अच्छा सर, चलिए आप छेड़ रहे थे, फिर माहौल कुछ ऐसा था। ये मुनव्वर हसन साहब, 2004 से लेके अब तक कोई भी अमन मुआहिदा जो है वो बदकिस्मती से कामयाब नहीं हो सका। आपने देखा कि बार बार नतीजा हमेशा ऑपरेशन की सूरत में निकला और मुआहिदे टूटे, अब क्या फर्क है? मेरा ख्याल है दिस इज पार्ट ऑफ द गेम और भारत से रोज वायदे होते हैं सीज फायर के हवाले से कि लाइन ऑफ कंट्रोल को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन जिस दिन वायदा होता है अगले दिन उसकी खिलाफ वर्जी भी होती है। तो मुल्कों के दरमियान भी ये होता है, कौमों के दरमियान भी ये होता है, फौजों के दरमियान भी ये होता है, लेकिन यही रास्ता है वायदे को इंटैक्ट रखने का और वो नतीज समेटने का कि जिसके लिए वायदे किए जाते हैं। आई नीड टू अंडरस्टैंड सर कि क्या अगर खात्मे बदहन ये डायलॉग प्रोसेस, ये पूरी काविज जो है अगर कामयाब ना हुई तो आप सपोर्ट करेंगे मिलिट्री ऑपरेशन को या फिर एक दफा फिर अस्सिर नौ अपनी जस्तुजू कायम रखेंगे कि मामलात को फिर स्टार्ट किया जाए, कहीं और से कहीं डोरी पकड़ी जाए? देखिए, मिलिट्री ऑपरेशन ने तो हमारे मुल्क के अंदर कितने मसले हल किए हैं और कितने मसले जो है उनको उलझाया है, ये किसी से मख्फी नहीं है। और हमारे मुल्क के अंदर ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर भी मिलिट्री ऑपरेशन कहाँ कहाँ कारगर हुआ है, आप भी तारीख के तालिबे इल्म जरूर रही होंगी, कुछ ना कुछ आदमी हर एक वाकिफ होता है। तो मेरे नज़दीक तो अपने ही मुल्क के मामलात को अपने ही शहरियों के साथ बंदूक की नाली से मामलात तय करने से ना अमन कायम होता है ना हालात बेहतर होते हैं। और ये भी मैं साथ साथ इसी के कहना चाहता हूँ कि जो लोग अपने मुतालबात लेकर मैदान अमल के अंदर आते हैं उनके मुतालबात की मंजूरी के लिए भी जरूरी है कि वो तशद्दुद से और वायलेंस से ग्रेस करें, इसलिए कि वायलेंस इश्यूज को रिजॉल्व नहीं करती बल्कि कंफ्यूज करती है, डिफ्यूज नहीं करती। तो मैं समझता हूं कि ये सिलसिला जितनी जल्दी अपने हतमी नतीजे को पहुंच सके उसकी कोशिश करनी चाहिए, लेकिन हमेशा तैयार रहना चाहिए, यानी वर्स्ट के लिए तैयार रहना चाहिए और बेस्ट की कोशिश करनी चाहिए। नहीं मगर सर, ताज्जुब की बात है, बुरा ना मनाइएगा कि जब आप और दीगर ऐसे और लोग भी इतना ज्यादा इतनी तंकीद का निशाना बनाते हैं फौज को, ऑपरेशंस को माजी का अहवाल देके, और शायद बेशतर ऐसे केसेस भी होंगे जिधर हमने देखा कि ऑपरेशंस वर नॉट सस्टेनेबल ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बट दैट टू बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल गवर्नमेंट का एब्सेंस। मगर सर, इतनी तंकीद के बाद और ये कहना फौज को कि बजोरे बाजू और ताकत कुछ अचीव नहीं होता, इतनी तंकीद आप तालिबान पे बरसाते क्यों नहीं नजर आते कि आप शरीयत का नफाज भी बंदूक की जोर पे नहीं कर सकते? बस ये कहना नहीं बट बार बार तंकीद करना, ना कि वो आपको फिर घूम के आप ही को चुनते हैं कि हमारी नुमाइंदगी करें, आप उन्हीं उन्हीं के लीडरान, उन्हीं के लोग, जब लाखों मुसलमानों का जिनका खून उनके हाथों पर, आप उनको शहीद कहते हैं, ओसामा बिन लादेन को आप हीरो कहते हैं। नहीं, मुझे आपके राय से
सवाल है, राय नहीं है, मैं पूछ रही हूँ। एक तनकीद इतनी ज्यादा एक जगह और दूसरी जगह हल्की फुल्की तनकीद महसूस होती है। मैं ये समझता हूँ कि मुझसे ज्यादा किसी ने ये बात नहीं कही है कि बंदूक के जरिए ना अमन कायम हो सकता है ना शरीयत कायम हो सकती है। किसी और ने कही हो तो मुझे बताइए उसका नाम। लोगों ने दूसरी बात, मैंने तो लेटर्स भी यही बात कही थी कि खुदकुश हमलों के जरिए शरीयत का इनकाद मुमकिन नहीं है और जेट तैयारों के जरिए बमबारी करके अमन का क्याम मुमकिन नहीं है। और देख लिया हमने, जेट तैयारों ने बमबारी की है लेकिन अमन नहीं कायम हुआ और खुदकुश हमले बढ़ते चले गए लेकिन शरीयत कायम नहीं हुई। तो मुझसे ज्यादा तो इस मामले में कम्युनिकेट करने के लिए और लोगों को एजुकेट करने के लिए और नुक्ते नजर में तब्दीली लाने के लिए मुझसे ज्यादा तो दलाइल किसी ने नहीं दिए हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि उसके बावजूद आप मुझे से सवाल कर रही हैं और मैं इसको फिर दोहराना चाहता हूँ। मेरे नजदीक उन उलमा को मैदान अमल में आना चाहिए कि जो इन तालिबान के असातिज़ा हैं और बड़े इकराम के और एहतराम के मुस्तहिक हैं और दानुल तलम्मुद तालिबान उनके सामने तय कर चुके हैं। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि वो अगर मैदान अमल में होंगे तो बहुत से सवालों का जवाब तालिबान के बजाय ये उलमा देंगे और तालिबान उनके जवाब को तस्लीम करेंगे। अगर इस फिनोमेना को सरकार की तरफ से इन्वॉल्व कर दिया जाए और इस फिनोमेना को उनकी तरफ से शुरू कर दिया जाए तो मेरा अब भी ख्याल ये है कि हालात को जितने भी खराब हो चले हैं उनको बेहतरी की तरफ लाया जा सकता है। मुनव्वर हसन साहब, आपने कहा कि हकीमुल्ला जब कंट्रोवर्सी पूरी स्टार्ट हुई, आपका ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट आई कि हकीमुल्ला ने जिहाद किया और अफगानिस्तान में इस्लाम दुश्मनों के खिलाफ लड़ता रहा, तो गोया सर ये समझा जाए कि वो हजारों मुसलमानों जिनका खून हुआ उनका खून इतना सस्ता और हकीर था कि चंद अमरीकनों को मार के वो उसका सौदा हो जाता है या वो कॉम्पनसेट हो जाता है। भाजी, अमरीकियों को आप बहुत सस्ता छोड़ रही है। 12 साल से लड़ रहे हैं वो और 2500-3000 अमरीकी वहां पर कत्ल हो चुके हैं। बरतानवी फौज के लोग इसके अलावा हैं। नफसियाती मरीज बनने वालों की तादाद उससे ज्यादा है, जख्मी उससे भी ज्यादा है और मुख्तलिफ हवालों से 12 साल बाद वो शिकस्त और शिकस्त खुर्दगी दोनों के साथ अफगानिस्तान से रुख्सत होने की तैयारियां कर रहा है। तो इसको तो सेलिब्रेट करना चाहिए। आप तो आधे जुमले के अंदर उसको समेट देती हैं और बात किसी और तरफ फैला देती हैं। जितने मुसलमानों का कत्लेआम इराक में हुआ है वो अमरीकियों ने किया है, जितने फलस्तीन के अंदर मुसलमान कत्लेआम का शिकार होते हैं और शहीद होते हैं वो इसराइल के जरिए से अमरीका ही करता है, और जितने कश्मीरी जामे शहादत नोश करते हैं वो भारत की फौज के जरिए जिसको सरपरस्ती अमरीकियों के हासिल है उसके जरिए से होते हैं। इसलिए पूरा मंजरनामा बयान किया जाए कि दहशतगर्दी के नाम पर या वार ऑन टेरर के हवाले से मुसलमानों के अलावा किसको कत्ल। ये ठीक है, मुझे इससे इत्तेफाक है कि अगर हमारी रैंक एंड फाइल से भी मुसलमानों ही को कत्ल किया जाए तो ये कोई अच्छा ओमन नहीं है और इस हवाले से उसकी मजम्मत ही की जानी चाहिए और मजम्मत ही हम करते भी रहे हैं और मजम्मत के अंदर वाद और तलकीन और नसीहत भी करते रहे हैं कि गैरों के हाथों तो हम लोग मरी रहे, अपने लोगों के हाथों तो हमको नहीं मरना चाहिए। लेकिन ये बात भी जरूर है कि मेरे नजदीक इन मुदाकरात के लिए ये बात बड़ी अहम है कि वार ऑन टेरर को अगर हम अपनी जंग के तौर पर अपने सीने से लगाए रखेंगे तो बहुत अच्छा सलूशन तलाश करना और बहुत अच्छी मेज के ऊपर बैठकर बहुत अच्छे मुदाकरात से लोगों को खुशखबरियां सुनाने की कोशिश करना मुश्किल से मुश्किल तर होता जाएगा। इसलिए सरकार को वार ऑन टेरर के बारे में असर रिव्यू करना चाहिए पूरी पॉलिसी को, जो सेनेट बार बार कह चुकी है पार्लियामेंट के इजलास के मुत्तफिका करारदादे हैं कि हमें पूरी फॉरेन पॉलिसी को रिविजिट करना चाहिए और एक आजाद खारजा पॉलिसी इस खत्ते में जो प्रो पाकिस्तान है उसको बदल करना चाहिए। सर मैंने जी बिल्कुल, मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा क्योंकि आज भी इतनी देर बाद भी जब हम उस दहाने पे खड़े हैं जब मुजाकरात और रिकंसिलिएशन की तरफ जा रहे हैं आज भी आपका मौकफ क्लियर नहीं है कि फौज की तालिबान के खिलाफ कार्रवाइयों को क्या लेबल क्या हैसियत दी जाए। वो शहीद थे, वो गाजी हैं, क्या कहा जाए उसको सर? बिकॉज मैंने आपके उस बयान के बाद बहुत से लवाहिकीन से बात की, जाके मैं जाती तौर पे उनसे मिली जिनके जवान बेटे शहीद हुए हैं फ्रंट लाइन्स पे सर, एंड दे जस्ट डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट यू मेंट और वो आपने ना स्टेटमेंट वापस ली ना वजाहत की उस पर। आज क्या स्टेटस है उसका? नहीं हो सकता है मेरी बात आपको समझ में ना आ रही है, मुझे तो आपकी बात समझ में आ रही है कि आप किस तरह मुझे ले जाना चाहती हैं और किस तरह ऑनेस्टली कहीं नहीं लेके जा रही। बात सुने देखिए ना, नहीं इम्प्लाई तो आप कर रही हैं और मुझे अंदाजा है कि आप किस तरह मुझे ले जाना चाहती हैं। मुझे अंदाजा है कि आपको मुदाकरात पर कितनी खुशी या कितना गम हो चुका है और आप मिलिट्री ऑपरेशन के कितने शिद्दत के साथ इंतजार कर रही हैं, मुझे इसका अंदाजा है। लेकिन मैं जवाब देखिए, आप बात ना काटे हैं,
आप बात ना काटे मेरी। सर, आप फैसलों पे फैसले दिए जा रहे हैं, कभी मीडिया के किरदार पे, कभी मेरी कितनी खुशी या गम में अंदर मिलिट्री ऑपरेशन पे, दैट्स नॉट द इश्यू सर। मेरा काम आपसे सवाल करना है, आप मुझ पे ना कोई फतवा दें या कोई फैसला दें। ये आपका रवैया है, तौर तरीका है, और आपको जिस तरफ आप उंगली पकड़कर ले जाना चाहती मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। मैं भी एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, इसलिए मुझे बहुत सारे टॉक शोज के हवाले से इसका तजुर्बा है कि आप लोग क्या बात करना चाहती हैं। लिहाजा मैं बात शुरू करता हूं, आप फौरन काट देती हैं, बात खत्म हो जाती है। सर बात कीजिए, मैं खामोश हूं। आप सवाल कीजिए। सवाल तो आपसे किया था सर, आप कहते हैं कि चलिए एक और सवाल कर लेती हूं। सवाल आपसे ये था सर कि अगर जमात इस्लामी जो कहती है कि हम आईनी हदूद को पहचानते हैं, उसका उसके कायल हैं, तो फिर ओसामा बिन लादेन का दिफा कैसे? देखिए, ओसामा बिन लादेन के खिलाफ कोई मुकदमा किसी ने दर्ज कराया है कहीं पर? कोई FIR दर्ज हुई है उसके खिलाफ? अमेरिकन ने जब ये बात की थी कि ओसामा बिन लादेन को हमारे हवाले करें, तो तालिबान जो अफगानिस्तान के, उन्होंने कहा था कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर उसके खिलाफ मुकदमा चलाए, कोई बैनुल अक्वामी अदालत के अंदर उसको लेकर जाए, उसके ऊपर जुर्म साबित करें। अगर जुर्म साबित नहीं होगा तो आप कैसे हवाले करें? लेकिन आपको अमरीकी मौकफ पसंद आता है और तालिबान का मौकफ नापसंद आता है, इसका इख्तियार मौजूद है आपको, हर एक को इसका हासिल है। लेकिन यानी इसको ओसामा बिन लादेन को जो कत्ल करने वाले हैं उनके पास क्या चार्जशीट है? फिर उन्होंने बजाय इसके कि उसके वर्सा को लाश हवाले करते, जिस तरीके से समंदर बुर्द कर दी उन्होंने लाश को, ये कोई तरीका है? ये कोई जस्टिस का मामला है? ये किसी भी हवाले से इसको पसंद किया जा सकता है, कबूल किया जा सकता है? उस पर तनकीद होनी चाहिए। और मेरे नजदीक तो लोगों के अंदर एक बेदारी की लहर पैदा करने में ओसामा बिन लादेन का बड़ा रोल है, और उसने अमेरिकन को नाकुचने चबवाए हैं, हालांकि वो कोई फौज नहीं रखता था, वो मुख्तलिफ हवालों से उसके पास वो वसाइल और दराए मैसर नहीं थे जो अमरीकियों को या बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों को या नेटो को हासिल थे। तो इसलिए मैं तो उसकी जुरत को सलाम करता हूँ, मेरे नज़दीक उसके नतीजे में जज्बे जिहाद और शौक़ शहादत को फ़रोग मिला है। इन ए नटशेल, और फिर हम उन शरायत के ऊपर आ जाएंगे कि जब तालिबान हमारे फौजियों के सर कलम करते हैं तो वो उसको भी आप बेदारी जानते हैं, उसको आप किस तरह पहचानते हैं? मेरा ख्याल है ये सबसे पहले मियां नवाज शरीफ को उसका जवाब देना चाहिए कि उन तालिबान से मुदाखरात क्यों कर रहे हैं जिनके बारे में आपकी राय वो है जो आप सवाल के तौर पर पेश कर रहे हैं। जी अच्छा, ये बताइएगा मुनव्वर हसन साहब, तालिबान ने 22 शरायत की फहरिस्त तैयार कर ली है, इसमें सबसे ऊपर शरीयत का निफाज है पूरे मुल्क में, ये बताइएगा शरीयत का ये निफाज कैसे और कहां कहां होगा आपके नजदीक? मेरे नजदीक तो बात बहुत वादे है, मुमकिन है तालिबान इससे एग्री करें या डिसएग्री करें, और हुकूमत तो हर डिसएग्री करती है, कि 1973 के दस्तूर को बिनोआन इन लेटर इन स्पिरिट नाफिज करना चाहिए। उस हवाले से जो हुकूमतें आती जाती रही हैं, दस्तूर में तरामीम तो होती रही है लेकिन उस पर अमल दरामद की, मसलन उसमें इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल भी है, उसकी सिफारिशात को फ्लोर ऑफ द हाउस पर आना चाहिए, उसके मुताबिक कानून साजी होनी चाहिए, और 1973 का दस्तूर शाफी काफी है कि उस पर अगर अमल दरामद किया जाए तो शरीयत के निफाज की तरफ हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए मेरे नजदीक इशू ये नहीं है कि पाकिस्तान का आइन गैर इस्लामी है, बल्कि इशू ये है कि पाकिस्तान के आइन पर अमल दरामद करने से के लिए चोर दरवाजे लोगों ने तलाश किए। तो शरीयत के निफाज के इस तरीकाकार जिसको अपनाया गया कि 50,000 लाशें गिरा दी गई, उसके बाद एक अमन मुआहदा हो रहा है, एक प्रोसेस चल रहा है, इसकी इस तरीकाकार की आप हिमायत नहीं करते? मैं तो खैर 8-10 दफा तो कह चुका हूं, लेकिन आपको क्योंकि दिलचस्पी इस मौजू से है इसलिए 11वीं मरतबा कह देता हूं कि मैं ये समझता हूं कि खुदकुश हमलों के जरिए या बंदूक की नाली से न शरीयत नाफिज हो सकती है ना अमन कायम हो सकता है। आप रेकमेंड करते हैं कि प्री कंडीशंस कोई भी सेट होनी चाहिए दोनों जानिब से? देखिए, ये मसला रिकमेंड करने ना करने का नहीं है, ये मामलात को ठीक से समझने और हालात की नफ्स पर हाथ रखने से के नतीजे में दोनों तरफ इफाम व तफहीम की फिदा पैदा करने का मसला है, और इफाम व तफहीम की फिदा बहुत ज़्यादा शराइत को बयान करने से मुकद्दर होती है, उसके अंदर तलखियाँ पैदा होती हैं और दूरियाँ जन्म लेती हैं। इसलिए मेरे नज़दीक तो दोनों साइड्स को इस वक्त कम से कम एजेंडे पर और कम से कम निकात पर इत्तेफाक करके आगे बढ़ना चाहिए,
और फिर उसमें जो रास्ते मुख्तलिफ पैदा होते हैं और मुज़ाकरात जिस तरीके से आगे बढ़ते हैं उसमें जो ऊंच नीच है उसको फेस करना चाहिए। जी अच्छा सर, इसमें आप जानते हैं कि पहले भी ये डिमांड की गई थी कि मुल्की गैर मुल्की कैदियों को, हमारे साथियों को रिहा किया जाए और फौज को विड्रॉ किया जाए कबायली इलाकों से। ये दो शरायत अभी भी मौजूद हैं और ऊपर की जाने भी हैं इन टर्म्स ऑफ अर्जेंसी और इम्पोर्टेंस। आपको लगता है कि ये दोनों चीजें पहले भी हमने माजी में की हैं, लोगों को रिहा भी किया है मगर फौज के विड्रॉल के हवाले से भारत ये काम नहीं किया, अभी ये यू थिंक कि इसके ऊपर गौर करना चाहिए हुकूमत को? मैं एक पुरानी बात आपको याद दिलाऊं कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपुल्स पार्टी और पीएनए पाकिस्तान नेशनल अलायंस, इनके दरमियान जो मुज़ाकरात हुए थे दोनों तरफ से तीन तीन आदमी थे। एक मुतालबा अपोजिशन का या पीएनए का उस वक्त यह था कि बलूचिस्तान से फौज को वापस बुलाया जाए और बहुत शद्दोमत से इस पर इसरार था। तो भुट्टो साहब ने कहा कि मैं आर्मी के चीफ को कल बुलाऊंगा, या ये कहा ये बगैर कहे उनका, अगले दिन आर्मी के चीफ जियाउल हक साहब को उन्होंने बुला लिया कि ये आपको असल सूरत हाल से आगाह करेंगे, अगर उसके बाद भी आपकी यही राय है कि फौज को वहां से विड्रॉ होना चाहिए तो हम बैठकर बात कर लेंगे। मेरा अगर याददाश्त मेरी ठीक काम कर रही है तो जियाउल हक साहब ने अपनी फाइलों के जरिए से पीएनए की जो टीम थी उसको ब्रीफ किया और शायद 2-3 घंटे तक वो ब्रीफिंग जारी रही और उसके बाद वो उठकर चले गए। तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने उस वक्त ये बात पूछी कि अब भी अगर आपकी यही राय है तो मैं आपसे शेयर करने को तैयार हूँ। तो मेरे ख्याल में अगर फौज की विड्रॉल की कोई बात करता है तो उसको पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस पर लेना चाहिए कि किन हालात के तहत फौज को कहाँ तैनात किया गया, उसकी कोई जस्टिफिकेशन देनी चाहिए, उसका कोई रैशनल फराहम करना चाहिए और मिलजुल कर मामलात में यकसुई पैदा करनी चाहिए। क्योंकि ये तो एक कॉमन मैन ऑन स्ट्रीट भी पूछ सकता है कि मिसाल के तौर पर सवात के अंदर अगर मिलिट्री ऑपरेशन कामयाब हो चुका है और अपने आदाब हासिल कर चुका है तो फौज वहां से क्यों विड्रॉ नहीं होती जहां जहां ऑपरेशन कामयाब हो चुका है। और जाहिर है कि हुकूमत या फौज इस मामले में कोई दलील रखती होगी, कोई वाकयात और शवाहिद ऐसे होंगे जिसकी वजह से अपने वजूद को वहां पर बनवाना चाहती होगी। और शरई अदालतों का क्याम का जो एक शर्त है, हमने माजी में भी देखी स्वात अग्रीमेंट की सूरत में सूफी मोहम्मद और मुल्ला फजलुल्लाह के साथ, और फिर उसके नतीजे में जो राह हक ऑपरेशन हुआ वो भी हमें याद है, इस दफा फिर ये मुतालबा है। देखिये ये जो रियासतें थी चाहे वो बाजोड़ हो, ये स्वात हो और इस तरीके की जो रियासतें थी, इनके लोगों को तो असल गम और दुख ही ये है कि इनको तो शरीयत अदालतें पहले कायम हुआ करती थी जब तक ये रियासत थी, फौरी इंसाफ मिलता था, सस्ता इंसाफ मिलता था और अदल के तमाम तकाजे पूरे होते थे। अब जब से ये दूसरी अदालतें वहां पर पहुंच गई हैं और रियासतों को हमने जम कर लिया है पाकिस्तान में 69 से, तो उसके बाद लोगों को इंसाफ जो है वह ख्वाब बनकर रह गया है, एक अफसाने की हैसियत उसकी बन गई है, ना इंसाफ मिलता है, ना सस्ता और आसान मिलता है, ना मुमकिन सूरत। तो इसलिए वहां के लोग जो तजुर्बे से गुजर चुके हैं शरई अदालतों के, वो बार बार उसी तरीके का इंसाफ भी चाहते हैं और उसी तरीके की अदालतें भी चाहते हैं। जी सर, आपसे आखिरी सवाल ये है कि इन शरायत में से एक शर्त ये भी है कि मुल्क भर में खवातीन की जीन्स पहनने और पर्दे के बगैर घर से निकलने पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए। मेरा ख्याल है ये इशू लाइव हुआ है मौलाना फजल रहमान साहब की तकरीर के नतीजे में, और मौलाना फजल रहमान हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, आलम दीन हैं, लेकिन मैं उसके बावजूद ये कहने की जसारत करूंगा कि ये मौजू के लोगों को क्या और कैसे पहनना चाहिए और किन हवालों से अपने आप को खातून और मर्द के दरमियान तफरीक को बरकरार रख, ये मौजू नसीहत का है, वाज का और तलकीन का है, ये तकरीर का और दर्स का मौजू इन मानों में नहीं बनता। और बिलखसूस मेरे जैसे पेटी कारकुन या मौलाना फजल रहमान साहब जैसे आलिम दीन जो है वो ज्यादा बेहतर इस बात को जानते हैं कि ये मौजू जीन्स को पहनने न पहनने का उन्होंने जिस तरीके से छेड़ दिया है ये भिड़ के छत्ते में हाथ डालने वाली बात है। जाहिर है कि लोगों को खौफ और सरासिमगी की तरफ तो धकेला जा सकता है जीन्स पहनने वालों को, लेकिन उनकी अगर वो इस्लाह मकसूद है तो इस्लाह नहीं की जा सकती। तो अगर ये मुतालबात के अंदर भी आया है तो मेरे नज़दीक उसी लय को इन्होंने या लॉ को आगे बढ़ाने की कोशिश की है जो पहले एक मुख्तदर शख्सियत की तरफ से लोगों के सामने आ चुकी है। बहुत बेहतर फरमाया। और मुनव्वर हसन साहब, मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से तो ये इस तशवीश का इजहार भी हुआ कि जो एक फॉर्म और एक प्लेटफॉर्म जिरगे का है उसको क्यों नहीं मुतहर्रिक किया जा रहा, क्यों नहीं टैप इन किया जा रहा उसकी रिसोर्सेज को? आपको नहीं लगता कि उधर के लोकल लीडर्स को भी मुतहर्रिक करना चाहिए कि ज्यादा फाल हो सके ये मुज़ाकरात?
मौलाना फजल रहमान साहब ने, मेरा ख्याल इलेक्शन से कुछ पहले की बात है जब ये जिरगा किया था और बड़ी कामयाबी से इस जिरगे का इनेकाद अमल में आया था। मियां नवाज शरीफ साहब उस वक्त वज़ीर आज़म नहीं थे, वो भी उसमें शरीक हुए थे, मैं भी उसमें हाजिर था और बहुत अच्छे माहौल में बहुत अच्छे एजेंडे के साथ उस पर हमने गुफ्तगू की थी, लिहाजा उसी को वो रेफर करते हैं। और ये पिछले दिनों उन्होंने ये बात भी कही कि हमारे यहाँ जो जहन है कबायली इलाके के अंदर वो जिरगे को ज्यादा कबूल करते हैं, कमेटियों से वो न इस्तिफादा कर पाते हैं न उससे कम्युनिकेशन होता है। तो जाहिर है कि वो खुद हुकूमत में है और उनको ये सहूलत हासिल है, उनके वज़रा भी है, वो खुद भी कश्मीर कमेटी की वजह से उस तमाम ओहदा जो है उनका वजीर के बराबर बन जाता है। तो उन्हें चाहिए कि हुकूमत के साथ कम्युनिकेशन करें बजाय इसके कि प्रेस स्टेटमेंट दें और हुकूमत को इस पर अगर कन्विंस करें, जो जिस जिरगे को हुकूमत के तमाम कारिंदे पहले से जानते हैं, अगर ये कन्विंस कर लेंगे तो हो सकता है कि हुकूमत इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त कर सके। जी अभी तक तो उनका कहना है कि बार बार ये सजेशन दिए ना वजीर आजम, अब पिछले चंद महीनों से ना टाइम दे रहे हैं ना इसके ऊपर गौर फिक्र कर रहे हैं और उनके मुताबिक ये कोई लॉन्ग टर्म सस्टेनिंग सोल्यूशन आ ही नहीं सकती, जबकि उधर के लीडरान जिनको इन अदर वर्ड्स रेंडर पावरलेस किया है तालिबान ने, जब तक उनको वापस ना एक्टिवेट किया जाए। वैसे मैं एक बहुत ही अपनी जाती राय का इजहार कर दूं, जो जरूरी नहीं है कि किसी के लिए काबिल कबूल भी हो या ना हो, कि अगर मौलाना फजल रहमान साहब अपने जिरगे को दोबारा बुला लें, उसी जिरगे को जिसका इनेकाद हो चुका है साल भर पहले, और उसमें इस एजेंडे पर बात करें, जाहिर है कि मुस्लिम लीग नून के भी लोग उसमें शरीक होंगे, बाकी तमाम पार्टियों के भी, ऐन मुमकिन है कि जो मुदाकरात की लौ इस वक्त लय बढ़ रही है और दोनों तरफ तैयारियां हो रही हैं, उसको ये सपोर्ट कर सके, ये जिरगा जो है ऑथेंटिकेट कर सके और बाद मामलात में उसकी मदद के लिए आगे बढ़ सके। बेहतर सर, आखिरी सवाल आज का आपसे ये है कि आप जानते हैं कि इस पांच रुकनी सालिसी कमेटी के सब लोगों को इंफरादी तौर पे राब्ता किया गया तालिबान की जानिब से, और इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉमन प्लेस टू सिट एंड टॉक और नेगोशिएट, आप जानते हैं इंफरादी तौर पे राब्ते होते रहेंगे, आपको नहीं लगता मिस कोऑर्डिनेशन होगी, कंफ्यूजन होगी? बिल्कुल होगी। देखिए, अच्छे हालात के अंदर और तमाम मसाइल के मुहैया होने के बाद भी डिसकोऑर्डिनेशन हो जाया करती है, इसलिए दोनों फरीकों को यानी फरीकैन को इस मामले में जिस एहतियात की बात हम करते रहे हैं, उस एहतियात में मजीद विजिल की जरूरत है, विजिलेंट होने की जरूरत है, क्योंकि गलत फहमी पैदा होने के और मिसकम्युनिकेशन के इम्कानात बवजूद हालात के तनादुर में बढ़ने से रोकने का। तो आप सजेशन देते हैं हुकूमत को कोई कॉमन प्लेस या कोई ऐसा वेन्यू मुरतब करे जिधर दोनों